पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा, संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए मैं आज से पॉलिटेक्निक का बैच शुरू कर रहा हूँ, जिसमें आपको मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन के साथ, पूरा क्वेश्चन पूरा सिलेबस के साथ आपको पूरा किया जाएगा, जिसमें हम लोग डेली एक घंटा का वीडियो डेली अपलोड करेंगे। अलग अलग चैप्टर वाइज, फिजिक्स का तो चैप्टर वाइज केमिस्ट्री होगा चैप्टर वाइज, और मैथ का भी चैप्टर वाइज प्रश्न करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री का चैप्टर उठाएंगे, जिसमें आज पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और उसका क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यू में, परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। पहले कुछ जानेंगे कि परमाणु की संरचना है क्या, और उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। परमाणु संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। परमाणु की संरचना का प्रारूप कुछ इस प्रकार है। जैसे देखा है, परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है, जिसका आकार परमाणु के आकार से बहुत ही छोटा होता है। यह परमाणु के अधिकांश भार को धारित करता है। नाभिक का विद्युतीय धन आवेश होता है, तथा यह ऋणावेशित कणों इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है। इन बाह्य इलेक्ट्रॉनों द्वारा ही परमाणु का व्यास निर्धारण होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि परमाणु है क्या। परमाणु शब्द ग्रीक भाषा के शब्द एटोमियो से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है अविभाज्य। किसी तत्व का सबसे छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु किसे कहते हैं? कि किसी तत्व का सबसे छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। उसके बाद जानेंगे कुछ डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में। डाल्टन ने ज्ञात नियमों के आधार पर निम्न परिकल्पना दी। पहला दिया था जिसमें तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य हैं, अर्थात परमाणु को किसी भी विधि से अन्य सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट लिखे थे, सिद्धांत दिए थे कि परमाणु न तो नष्ट किए जा सकते हैं और न ही उत्पन्न किए जा सकते हैं। चौथा दिए कि एक ही तत्व के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों में एक दूसरे के समान होते हैं। पांचवा, विभिन्न तत्वों के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। छठा, रासायनिक परिवर्तनों में परमाणु अपनी निजी सत्ता बनाए रखते हैं। ये हम लोग देखें, सातवां देख रहे हैं, दो या अधिक तत्वों के परमाणु सरल गुणित अनुपात, अर्थात एक अनुपात दो, दो अनुपात तीन आदि में संयुक्त होकर यौगिक परमाणु ब्रैकेट में जो अब अणु कहलाते हैं, बनते हैं। अतः डाल्टन के परमाणु के आधार पर किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा अविभाज्य कण जो उसकी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परमाणु कहलाता है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे इसका एमसीक्यू क्वेश्चन, पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग चलेंगे, आज हम लोग अब प्रश्न देखेंगे परमाणु संरचना के, जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसके टोटल क्वेश्चन हम लोग देखते चलेंगे। परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या होते हैं? केवल प्रोटॉन होते हैं, ऑप्शन बी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, केवल न्यूट्रॉन होते हैं, या डी प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों होते हैं। बताएंगे परमाणु के नाभिक में कौन होते हैं, केवल प्रोटॉन या प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन
सी न्यूट्रॉन, डी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, बताएंगे? तो इसके आंसर होंगे प्रोटॉन, इसका आंसर होंगे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, बी इसका आंसर हो जाएंगे, इसका आंसर बी हो जाएंगे, इसका आंसर बी हो जाएंगे। परमाणु को सर्वप्रथम किसने अविभाज्य किया? परमाणु को सर्वप्रथम किसने अविभाज्य किया? किसने किया? डाल्टन, जे.जे. थॉमसन, बैकरेल या थॉमस ग्राहम? परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया? डाल्टन, जे.जे. थॉमस, बैकरेल, थॉमसन या ग्राहम? आंसर बताएंगे? ये हम आज से शुरू किए हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020, जो बिहार पॉलिटेक्निक्स में जो भी तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं हैं, वो कृपया मेरे टेस्ट का प्रतिदिन वीडियो को देखें, और अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें, लाइक एवं सब्सक्राइब करें। अगला देखेंगे, परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया? डाल्टन, जे.जे. थॉमस, बैकरेल या थॉमस ग्राहम? तो इसका आंसर होंगे सी बैकरेल, इसका आंसर होंगे सी बैकरेल। परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या, बी परमाणु संख्या, परमाणु भार, तुल्यांक भार। कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार, तुल्यांक भार। तो इसका जवाब होगा, तीसरा का जवाब होगा हमारा ए, द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। आगे देखेंगे, नाभिक का आकार होता है, नाभिक का आकार कितना होता है जी? 10^-15 सेंटीमीटर, 10^-12 सेंटीमीटर, 10^-8 सेंटीमीटर, 10^-10 सेंटीमीटर। हाँ, आंसर बताएंगे? ए होंगे, बी होंगे या सी होंगे, डी होंगे? तो इसका आंसर अब मैं बताने जा रहा हूं, देखेंगे। इसका आंसर 10^-12 सेंटीमीटर होता है, 10^-12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? परमाणु के संयोग से अणुओं का निर्माण होता है, बी परमाणु अविभाज्य है, सी एक ही तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, डी एक ही तत्व के परमाणुओं के रासायनिक गुण समान होते हैं। क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे, क्वेश्चन देखेंगे बताएंगे, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है परमाणु के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है, बी है परमाणु अविभाज्य है, सी एक ही तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, या डी एक ही तत्व के परमाणुओं के रासायनिक गुण समान होते हैं, बताएं। तो हम अब बताने जा रहे हैं, इसका आंसर होगा बी, परमाणु अविभाज्य होते हैं, परमाणु अविभाज्य होते हैं, परमाणु क्या होते हैं? अविभाज्य होते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, छठा क्वेश्चन देखेंगे, किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है अणु, दूसरा परमाणु, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा प्रोटॉन। आंसर बताएंगे जल्दी? तो हम इसका चलते हैं क्वेश्चन, इसका आंसर होगा अणु। सातवां क्वेश्चन, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 तथा परमाणु भार 39 है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 19 होगी, 20 होगी, 39 होगी या 58 होगी? करा कि एक तत्व में परमाणु संख्या 19 तथा परमाणु भार इतना 39 है, तो उसके न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो हम लोग जानते हैं कि परमाणु भार बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो पूरा परमाणु भार में से घटा दें तो हमारा आंसर कितना होगा?
बीस बीस होगा, क्योंकि 39 में से यहां घट जाएगा 19 बराबर 20। कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान क्रमशः होता है। कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान कितना होता है बताएंगे? क्रमशः पहला 20 20 20, 18 18 20, 22। बी ऑप्शन है 18 22 18, सी ऑप्शन है 22 18 22, और डी है इसमें से कोई नहीं। बताएंगे कैल्शियम परमाणु प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 20 20 20, बी 18 22 18, सी 22 18 22, इसमें से कोई नहीं बताएंगे। तो इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा ए, 20 इलेक्ट्रॉन, 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन भी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक तत्व का परमाणु भार 35 तथा परमाणु क्रमांक 21 है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन कितने होंगे? एक तत्व का परमाणु भार 45 तथा परमाणु क्रमांक 21 है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन कितने होंगे? बोलेंगे पहला ऑप्शन 21 21, दूसरा ऑप्शन 24 21, तीसरा ऑप्शन 21 45, चौथा ऑप्शन 21 या 24 बताएंगे? तो इसका आंसर होगा 21 45। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, परमाणु तीन मूल कणों प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना है। परमाणु विभाज्य है, किसी भी एक तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं बताएं। कथन कौन असत्य है इसमें से? दसवां क्वेश्चन नंबर है, इसका बोरा कथन कौन असत्य है बोलेंगे? तो हम बताएंगे आंसर, जिसमें क्वेश्चन आंसर इसका होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे, परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं, किसमें होते हैं जी? न्यूट्रॉन की संख्या पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, या प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग के, या इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, जिसमें हम लोग आंसर दे चुके हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इसका आंसर कितना होगा? 2 8 13 1। न्यूट्रॉन की खोजकर्ता है कौन है? जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोजकर्ता है जेम्स चैडविक। परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं, परमाणु के मूल कण जो नाभिक उपस्थित नहीं होते हैं क्या है? इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से किस मूल कण पर ऋण आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन की सहति होती है हाइड्रोजन की नाभिक की कितना? 1/1850। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है उदासीन। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है उदासीन। परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकता है दो, दो हो सकता है। निम्नलिखित में से अणु के लिए सत कथन कौन है? स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, इसमें परमाणु का अनुपात निश्चित होता है, इसकी आणविक संरचना परमाणु की व्यवस्था को प्रदर्शित करती है, इसमें से सभी होंगे। परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है नाभिक पर, इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर या न्यूट्रॉन पर, इसका आंसर देंगे। परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है नाभिक पर, इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर या न्यूट्रॉन पर। ये होता है इसका आंसर नाभिक पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु के नाभिक की खोजकर्ता, परमाणु के नाभिक की खोजकर्ता हैं
कौन है, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, थॉमस या चैडविक? परमाणु की खोजकर्ता कौन है, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, थॉमस या चैडविक? इसकी खोजकर्ता है परमाणु के रदरफोर्ड, बी आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 92U2 81 88 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या 92U238 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है जी, 92, 238, 146 या 330? बताएंगे इसका आंसर, जवाब देंगे तो इसका आंसर होते हैं 146 सी, 146 सी होंगे। CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 11, 22 या 33 या 44? ऑप्शन एक ए में देखेंगे 11, ऑप्शन बी में 22, ऑप्शन सी में 33, ऑप्शन डी में 44। कौन इसके आंसर होंगे, इसके आंसर हो जाएंगे बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, 17, 18, 10 या 7? देखेंगे ऑप्शन ए में 17 है, ऑप्शन बी में 18 है और सी में 10 है और डी में 7 है। तो परमाणु संख्या 17 के नाभिक प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी जी, बताएंगे हम जानते हैं कितना होगा, 17 होंगे, कितना होंगे, 17 होंगे, ये ऑप्शन ए सही हो गया। उसके बाद परमाणु संख्या का आविष्कार किया था, किसने किया था, चैडविक ने, मोसले ने, गोल्डस्टीन ने या रदरफोर्ड ने? मोसले ने। 26 क्वेश्चन देखेंगे, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 और परमाणु भार 32 है, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 और परमाणु भार 32 है, तो H2- में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, इस पर 2- है जिसमें ऑप्शन ए में है 16 16, ऑप्शन बी में है 14 16, ऑप्शन सी में है 18 18 और ऑप्शन डी में है 18 16। तो इसका होंगे आंसर डी, 18 16। निम्नलिखित में से किसी एक तत्व की समान संयोजकता 2 है, उसका परमाणु संख्या कितना होगा, 12, 14, 16, 18? इसका आंसर होगा 12। 28 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है, उसकी बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी कितना होगी, 8, 18, 12 और 32? ऑप्शन ए में 8 है, 18 नहीं, किसी 28 क्वेश्चन देखेंगे पहले, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है, उसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी, 1, 2, 7 या 19? कौन आंसर होगा इसका, हम लोग इसका देखेंगे 1 होगा। बाह कोश में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बाह कोश में, 8, 18, 12 या 32? 8 हो सकते हैं। 30 देखेंगे, Mn मैग्नीजिन 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन होगा, देखिए 2 8 8 7, 1 8 14 1 या 2 8 13 2 या 2 8 12 3? सी इसका सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, लोहे का परमाणु क्रमांक 26 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा कौन होगा, 2 8 14 1, बी है 2 8 14, सी है 2 8 12 2, डी है 2 8 10 4? इसका आंसर क्या होगा बताएंगे, इसका आंसर होगा ए, 2 8 14 1। अगला देखेंगे 32 क्वेश्चन नंबर, देखेंगे कि प्रोटॉन पर धन आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है, आधा, दुगना, समान या इसमें से कोई नहीं या कोई संबंध ही नहीं है, क्या होगा इसे बताएंगे, इसका समान होंगे।
समान द्रव्यमान वाले दो तत्व x तथा y के परमाणु क्रमांक क्रमशः 20 व 22 हैं। यदि तत्व x के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन है तो तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? समान द्रव्यमान वाले दो तत्व x तथा y के परमाणु क्रमांक क्रमशः 20 व 22 हैं। यदि तत्व x के परमाणु में 22 न्यूट्रॉन है तो तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? 20, 22, 11 या 10? तो हम लोग देखेंगे 20 होगी। 34 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? पाई बराबर एनएच बटा एमवीआर गुण 2, पाई बराबर 2 एनएच बटा एमवीआर, सी पाई बराबर 2 एमवीआर बटा एनएच, डी पाई बराबर एमवीआर बटा 2 एनएच। कौन इसका आंसर होंगे बताएंगे? इसका आंसर होंगे फर्स्ट। 35 में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत का नियम यह बताता है कि किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? कौन बताते हैं? अफवाहों का नियम, दूसरा पौली का वर्जक सिद्धांत, तीसरा हुंस का अधिकतम बहुलता का नियम या चौथा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम? तो चलेंगे, इसका आंसर होगा पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत, पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, किसी तत्व का परमाणु भार 19 है, परमाणु के द्विपद कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होगी कितना होगी जी? पहला ऑप्शन ए 10, बी 9, सी 7 और डी 12। क्या होंगे बताएंगे? 10, 9, 7 या 12 होंगे? इसके आंसर होंगे बी 9। प्रोटॉन है क्या है? भारी हाइड्रोजन का नाभिक, दूसरा एक मूलभूत कण, तीसरा धनावेशित कण या डी सभी। प्रोटॉन क्या है? ऑप्शन ए भारी हाइड्रोजन का नाभिक, बी एक मूलभूत कण, सी धनावेशित कण या ये सभी। ये सभी होंगे, इसका आंसर हो जाएंगे आपका डी। एक तत्व के दो समस्थानिक में कौन सा एक तत्व के दो समस्थानिक में कौन सा गुण भिन्न हो सकता है? परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या या सभी? कौन होंगे? ए सभी, इसका आंसर हो जाएंगे आपका ए सभी। न्यूटन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड, जे थॉमस या विलियम कुक्स? बताएंगे? जेम्स चैडविक, इसका खोज जेम्स चैडविक ने किया। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, एक तत्व के दो समस्थानिकों में कौन सा गुण भिन्न हो सकता है? एक तत्व के दो समस्थानिकों में कौन सा गुण भिन्न हो सकता है? पहला परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, दूसरी द्रव्यमान संख्या, चौथा उपयुक्त सभी। इसका भी आंसर होगा उपयुक्त सभी, इसमें सब मौजूद होते हैं। परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने होते हैं? 1, 3, 5, 7। क्या होंगे आंसर इसका? 5 होंगे। और 41वां क्वेश्चन जो लास्ट है इस चैप्टर परमाणु संरचना का लास्ट क्वेश्चन है कि Na प्लस आयन सम इलेक्ट्रॉनिक्स है, किसका है जी? Li प्लस का, मैग्नीशियम प्लस 2 का, बेरियम Ba प्लस 2 का या कैल्शियम 2 प्लस का? कौन इसका आंसर होंगे? मैग्नीशियम प्लस 2 का आंसर हो गया। तो आज का हम लोग ये समाप्त करते हैं, जो हम लोग परमाणु संरचना का ये 41 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी विद्यार्थी बिहार पॉलिटेक्निक प्रेस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं वो इसे जरूर रिवीजन करते रहें। आपका इस क्वेश्चन से जो भी है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे और ये हमेशा इसको रिवीजन करते रहें और समझ में आए
तो इस पर लाइक करें, और लाइक करने के बाद सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो आपको डेली अपडेट होते जाएगा हर कुछ। थैंक्स इसके लिए, और अगले वीडियो के लिए तैयार रहें अगले चैप्टर का।